Morning students, myself Kotijalak. Today I am going to start your math subject in standard 4th. Your chapter 3rd is A Trip to Bhopal. तो last video में हमने 26 पेज नंबर तक देखा था, आज देखेंगे 27 पेज नंबर. तो each bus takes about 50 minutes to refill and there are two buses to be refilled. So they stop there for about कितना blank which minute blank minutes which means they are late by about blank minute. तो 50 cross क्या करना पड़ेगा, 2 buses है तो 50 cross 2 is equal to कितना मिलेगा answer 30 minutes. Hi, it has such a big tummy. It has already taken कितने liters 100 liter. So, अरे यह इतना बड़ा टम्मी है, पहले से ही 100 लीटर्स ऑलरेडी टेकन, तो पहले से ही 100 लीटर्स लेते हैं. सो वी हैव टू पे 3500 रुपीस फॉर द डीजल. ठीक है, तो टोटल रुपीस पेड एंड टोटल लीटर्स ऑफ डीजल तो कितने रुपीस पेड किए, तो 3500 एंड कितने लीटर्स डीजल था, तो 100, तो 3500 डिवाइड्स 100, तो 00 क्या हो जाएगा, 00 कट आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा आंसर 35. ये क्वेश्चन फिर हम एक्सरसाइज में समझाएंगे. ठीक है, तो लुक इन द पिक्चर एंड फाइंड द प्राइस ऑफ 1 लीटर डीजल. ठीक है, तो आपको पिक्चर में देखना है और 1 लीटर डीजल की प्राइस कितनी होती है वो फाइंड आउट किया. ठीक है, कितना होगा 35. तो एज द बसेस आर बीइंग रिफिल्ड सम चिल्ड्रन गो टू द टॉयलेट नियर द पेट्रोल पंप. तो एज द बसेस आर बीइंग रिफिल्ड तो सम चिल्ड्रन गो टू द टॉयलेट नियर द पेट्रोल पंप तो कुछ बच्चे पेट्रोल पंप के पास जो टॉयलेट थे वह जा रहे थे. अमन हैज टेकन एज मच टाइम टू एम्प्टी हिमसेल्फ एज वन बस इज टेकिंग टू रिफिल. तो अमन हैज टेकन एज मच टाइम टू एम्प्टी, तो अमन को खुद को खाली करने में इतना समय लगा जितना एक बस को रिफिल करने में लग रहा है. ठीक है, तो हाउ मच टाइम डिड अमन टेक टू कम आउट ऑफ द टॉयलेट, तो कितना 15 मिनट्स, क्योंकि इधर लिखा है कि ईच बस टेक्स अबाउट 50 मिनट्स टू रिफिल, तो अमन ने भी कितना टाइम लगाया, उतना ही बस रिफिल करते हैं इतना, तो क्या होगा आंसर 15 मिनट्स. ठीक है, क्या मिलेगा हमें आंसर 15 मिनट्स. टू भीमबेटका, तो भीमबेटका में देखते हैं कि आफ्टर द बसेस आर रिफिल्ड द जर्नी स्टार्ट्स अगेन. नाउ द चिल्ड्रन आर टोल्ड दैट दे आर स्टॉपिंग एट भीमबेटका. तो क्या है कि द चिल्ड्रन आर आफ्टर द बसेस आर रिफिल्ड, तो बस से रिफिल होने के बाद द जर्नी स्टार्ट्स अगेन, तो जर्नी फिर से स्टार्ट हुई. नाउ द चिल्ड्रन आर टोल्ड दैट दे आर स्टॉपिंग एट भीमबेटका, तो वो बच्चे क्या कह रहे थे, दे आर स्टॉपिंग एट भीमबेटका. ठीक है, अंजन सेज व्हाट इज भीमबेटका, तो भीमबेटका क्या है. मिस रैना सेज इट्स अ प्लेस विथ लॉट्स ऑफ केव्स एंड केव पेंटिंग्स मेड बाय पीपल 10,000 ईयर्स अगो. तो क्या है कि इट्स अ प्लेस विथ लॉट्स ऑफ केव्स एंड पीपल 10,000 ईयर्स अगो, तो 10,000 ईयर पहले लोगों द्वारा बनाए गए बहुत सी केव्स यानी कि गुफाओं, तो गुफाओं के साथ क्या है, एक प्लेस है. ठीक है, सुमन तो सेस 10,000 ईयर्स, ओ आई कैन नॉट इवन थिंक ऑफ 1,000 ईयर्स बैक. तो क्या बोलते हैं सुन, तो 10,000 ईयर्स आई कैन नॉट थिंक ऑफ 1,000 ईयर्स बैक, तो सुन तो 1,000 साल से पहले बारे में सोचते नहीं है. इवन थिंक ऑफ 1,000, तो गोपी सेज गोपी सेज ओ 1,000 ईयर्स
इज अ बिग थिंग आई कांट इवन थिंक ऑफ 100 ईयर। तो गोपी ने क्या बोला कि ओ एक तुसार एक बड़ी बात है 100 ईयर्स बैक। तो गौरी सेज आई कैंट थिंक ऑफ 100 ईयर्स बिकॉज माई फादर्स मदर्स इज 100 ईयर्स ओल्ड। तो गौरी ने क्या बोला कि 100 ईयर्स साल की सोच सकता है क्योंकि मेरे फादर एंड ग्रैंड मदर कितने हैं 100 ईयर्स ओल्ड है। मंजीत सेज दैट मीन्स दोज केव्स आर ऑलमोस्ट 100 ग्रेट ग्रैंड मदर्स ओल्ड। तो क्या है कि दैट मीन्स क्या है, तो उसका मीन्स क्या है कि केव्स आर ऑलमोस्ट 100 ग्रेट ग्रैंड मदर ओल्ड। तो ऑलवेज केव्स कैसी होती है, ओल्ड होती है, ठीक है। एवरीबॉडी ब्रस्ट इन टू लफर, हा हा हा, क्या सब हा हा करने लगे। नाउ द चिल्ड्रन आर रियली एक्साइटेड टू सी द केव पेंटिंग्स। इट इज अबाउट 11 o'clock वन दे रीच भीमबेटका। तो नाउ द चिल्ड्रन, तो अब चिल्ड्रन किसको देखने के लिए एक्साइटेड हो गए, तो केव की जो पेंटिंग थी, केव की पेंटिंग थी उसको देखने के लिए चिल्ड्रन क्या हो गए, एक्साइटेड हो गए, ठीक है। इट इज अबाउट 11 o'clock वैन दे रीच भीमबेटका, ठीक है। तो वाव, इवन 10,000 ईयर्स अगो पीपल मेड सच लवली पेंटिंग्स दैट टू ऑन रॉक्स। तो इधर आपको पेंटिंग दी है, तो वाव, तो क्या बोलते हैं कि वाव इवन 10,000 ईयर्स अगो, तो क्या 10,000 ईयर्स पहले के पीपल मेड सच लवली पेंटिंग्स। तो पीपल बनाते हैं क्या ऐसी, तो पीपल क्या बनाते हैं ऐसी लवली पेंटिंग। ओ दिस रॉक्स आर थाउजेंड ऑफ ईयर्स ओल्ड। तो ये रॉक्स कितना ओल्ड है, 1000 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। तो शंकर सेज दिस पेंटिंग आल्सो हैज वेरी बिग विजन्स। हाय आई गॉट एन आइडिया, आई विल काउंट द बाइसन्स एंड यू काउंट द डियर इन द पेंटिंग्स। तो क्या है इसमें कि दिस पेंटिंग इज, दिस पेंटिंग ऑल्सो हैज अ वेरी बिसंस, इस पेंटिंग में बहुत बड़ी झेल भी है, ठीक है। हाय आई गॉट एन आइडिया, अरे मुझे एक आइडिया आया है कि आई विल काउंट द बिसंस एंड यू काउंट द डियर इन पेंटिंग। तो तुझे पेंटिंग में जितने डियर है उसको क्या करना है, काउंट करना है, ठीक है। तो बोनोमाला सेज आई विल काउंट पीपल, लेट अस सी विच आर द मोस्ट बिजन्स डियर और पीपल। तो आई विल काउंट पीपल, मैं लोगों को गिनूंगा, आइए देखते हैं कि कौन से कौन सबसे अधिक है बिजन्स डियर और पीपल। तो क्या है 34, 35, 36, 37। तो आई गॉट 37 बिजन्स, तो 112, 113, 114 एक्सेट्रा, आई गॉट 117 डी। तो क्या है ऐसा बोला, उसमें है क्वेश्चन कि हाउ मैनी मोर डियर आर देयर देन बिजन। तो 117 माइनस 37 करोगे तो क्या आएगा, 117 माइनस 37 तो 80 मिलेगा। बट बोनोवाला इज द हैप्पीएस्ट, बोनोवाला कैसी हो गई हैप्पीएस्ट, बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल इज इवन मोर देन द नंबर ऑफ डियर। तो पीपल के नंबर डियर से कैसे थे ज्यादा, एंड बिसंस टुगेदर हर काउंट इज लेस देन 200, ठीक है। तो हाउ मैनी पीपल मस्ट बोनोवाला हैव काउंटेड, तो 214, 154, 134, 177। तो चलो टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स, तो 117 प्लस 37 कितने हुए 154। द गाइड टेल्स देम दैट देर आर 600 केव पेंटिंग्स इन ऑल। तो इट इज टाइम टू लीव भीमबेटका। तो क्या है कि दे हैव स्पेंट 1 आवर
दैट, कितना स्पेंड किया था, 1 hour, what time is it, तो there, for the time is 11 o'clock plus कितना हुआ 1 hour उधर स्पेंड किया था, तो 11 o'clock plus 1 hour is equal to क्या मिलेगा आंसर, 12 o'clock. They are now moving towards Bhopal. They should reach there in less than 1 hour. At about कितना 1 o'clock. उसके बाद क्या है, लंच टाइम है. लंच टाइम में क्या है कि द चिल्ड्रन आर हंग्री. चिल्ड्रन कैसे थे हंग्री, बाय दिस टाइम सो दे टेक आउट देयर लंच पैक्स. बिस्किट्स, ऑरेंज एंड बनानास आर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द बसेस. तो द चिल्ड्रन आर हंग्री, बच्चे इस समय कैसे थे, भूखे होते हैं, इसलिए वे अपना लंच निकाल देते हैं, बिस्किट्स, ऑरेंज, बनानास, ठीक है. तो आर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द बसेस, ये सारे आइटम बस में क्या की, डिस्ट्रीब्यूट की. ईच चाइल्ड इज टू बी गिवन 1 orange, 1 banana and 5 biscuits. तो क्या है कि ईच चाइल्ड टू बी गिवन द 1 orange, सभी बच्चे 1 orange, 1 banana and 5 biscuits लेते हैं. तो ऑल द चिल्ड्रन टेक्स ऑरेंज एंड बिस्किट्स, बट 38 चिल्ड्रन डू नॉट टेक बनाना. ऑल द चिल्ड्रन टेक ऑरेंज एंड बिस्किट्स, सारे बच्चे ऑरेंज एंड बिस्किट लेते हैं, बट 38 बच्चे डू नॉट टेक बनाना. 38 बच्चे बनानास नहीं लेते, ठीक है. तो क्या है कि ईच चिल्ड गिव, तो 210 x 1 करोगे तो क्या आएगा, 210 orange and 210 x 5 करोगे तो क्या मिलेगा आंसर, 1050, ठीक है, बिस्किट्स. तो हाउ मैनी ऑरेंज बिस्किट्स एंड बनानास आर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो 210 minus, चलो 38 चिल्ड्रन डू नॉट टेक बनानास, तो 210 minus 38 इज इक्वल टू 172. ये सारे क्वेश्चन हम फिर से एक्सरसाइज में समझेंगे. मंजीत एंड बानू वाइटली फिनिश द लंच एंड स्टार्ट आस्किंग पजल टू द पास द पजल्स टू पास द टाइम. तो मंजीत एंड बानू जल्दी से अपना लंच खत्म करके और पजल स्टार्ट करते हैं टू पास द टाइम. टाइम को पास करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, पजल स्टार्ट करते हैं, ठीक है.